साफ हो गया कि जो साफ नीचे था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, माइक नीचे करो, क्योंकि जल नल योजना में जो ठेकेदार शामिल थे उनके यहाँ छापेमारी भी शुरू हो गई है। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की, सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले। और कुल तिजोरी का, सरकारी तिजोरी में से लगभग 30,000 करोड़ के भ्रष्टाचार हुए हैं। ये बिहार का पैसा है और आप लोगों ने भी देखा कई जगह तो फाइलें भी जो है इन लोगों ने जलवा दिया, सचिवालय में फाइलें भी जली हैं। अब तो छापे पड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के राज में केवल और केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, भ्रष्टाचार बढ़ी है। लेकिन अब नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उसी हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए 15 साल से क्या कर रहे थे, हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के लिए क्या किया नीतीश जी ने? पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, दवाई के लिए लोग बाहर इलाज कराते हैं, कमाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। सिंचाई आपने देखा है कोई काम जो है नीतीश जी ने नहीं किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। ये बताइए, मुंगेर में तो अब क्लियर हो गया है कि पुलिस ने गोली चलाई थी सबसे पहले? देखिए हमने तो पहले ही बोला कि जनरल डायर की याद दिलाता है ये घटना, जलियांवाला बाग की याद ये घटना दिलाती है। और हम तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं वहाँ जो पुलिस प्रशासन में जो लोग थे जेडीयू के एक बड़े नेता के घर के ही हैं, तो हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। इतनी निंदनीय घटना है, जितना भी इसका खंडन किया जाए वो कम है। हमारी सरकार बनेगी तो उन परिजनों को इंसाफ दिलाएंगे।